गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मणिपद में हम ओमसाई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हमारे महादेव हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आज के दिन सावन के सोमवार चल रहे हैं, सभी लोग व्रत रख रहे हैं, वो लोग भी जो ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं रखते हैं। सावन के सोमवार मैंने देखा है कि वो भी नहीं छोड़ते, क्योंकि पूजा बड़ी सरल है, साधना बड़ी सरल है, और क्योंकि हमारे महादेव जो हैं भोले वाले हैं, जल्दी मान भी जाते हैं, इच्छा पूर्ति भी करते हैं। सो ऑलमोस्ट 80-85% लोग रहते ही हैं, व्रत नहीं छोड़ते हैं। बाई चांस किसी की हेल्थ की वजह से व्रत नहीं रख पाए तो अलग बात है, या कोई और सिचुएशन बन जाती है घर में तो अलग बात है, नहीं तो सभी का दिल यही करता है कि व्रत रहें। व्रत रहते भी हैं, जो नहीं रख पाते वो मंदिर तो ज़रूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। सो मन में ये भी विचार आता है कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, पूजा करें, साधना करें, क्या महादेव हमारी साधना को ले रहे हैं, हमारी पूजा को ले रहे हैं, कुछ मैसेजेस हमें देना चाहते हैं, हम जो परेशानियों में हैं उसको लेकर कोई गाइडेंस हमें देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं क्या। सो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महादेव हमें क्या बताना चाहते हैं, मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, और जानने के बाद उसे फॉलो भी करेंगे, है ना। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स तो आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपका मूलांक है उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हो। रही बात कार्ड्स की, तो ये तीन कार्ड्स हैं आपके लिए जो मैंने शफल करके निकाले हुए हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और अगला जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो इनमें से एक या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो आप तीनों का रीडिंग देख लो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, मान लो आपके सामने ये कार्ड्स हैं, आप इसमें इसको चूज़ करते हैं, चलो इसकी रीडिंग देखते हैं, फिर लगता है नहीं इसकी देखते हैं, नहीं इसकी देखते हैं, तो आप तीनों की रीडिंग देख लो, जो आपसे रेजोनेट करे उसी रीडिंग के साथ आपने आगे बढ़ना है, जो गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करना है। ओके, नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है ही, मैंने आपको बता ही दिया, उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सभी से कहूँगी कि प्रायोरिटी ना आप इस चीज़ को दो, क्योंकि आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और कई सारे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जहाँ पर आपके इंट्यूशन ही काम आने वाली है। आप हर वक्त किसी सरल तरीके का सहारा नहीं ले सकते, है ना, तो बेहतर होगा कि आप अपनी इंट्यूशन को इन्हेंस करें। अब बहुत से लोगों का सवाल हो जाता है कि हम कैसे करें, तो काफ़ी सारे टिप्स हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, योगा करना, एंड अच्छी नींद लेना, ठीक है, अच्छा डाइट रखना, एंड अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना। लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में ये भी आ जाता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे शुद्ध करते हो, ठीक है, और जिसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि रात में सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले आप मोबाइल छोड़ दो, या फिर इस तरीके के कंटेंट्स नहीं होने चाहिए आपके मोबाइल में जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेहतर होगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप सुने, इससे ना आपका मन शांत रहता है, क्लींजिंग भी होती है, एंड देन इंट्यूशन भी एनहेंस होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में फिर और कचरा नहीं भरा रहता, राइट? तो जो डाउनलोड्स होते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप उनको बेहतर तरीके से ले पाते हो, एंड देन आप आगे बढ़ते हो, इसमें इनर वर्क आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप चाहो तो मैं एक लंबी लिस्ट बना के आपको दे सकती हूँ, बट वही है आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, लगातार करना है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, सब कुछ है वहाँ पर। ओके, हाँ, कई सारे लोगों का सवाल था कि हम कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं अगर हम महादेव के भक्त हैं, तो आप क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो गाइस। एक तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, एंड बड़ी ही जल्दी आप उसके साथ में अपनी एनर्जी को मर्ज कर लेते हो, क्लैरिटी आपको देता है और मन शांत रखता है।
आपने सुना होगा कि कई सारे लोग जो हैं शिवलिंग रखते हैं क्लियर क्वार्ट्ज का, इस फटिक जिसे बोलते हैं, तो काफ़ी शुभ होता है ये। और ऐसा बोलते हैं कि घर में अगर आपको शिवलिंग रखना है तो इस फटिक का ही आप रखो या पारद का रखो ऐसा। तो क्लियर क्वार्ट्ज ऐसा है क्रिस्टल जो आप अपने पास रख सकते हो, चाहे आप ब्रेसलेट पहनो, चाहे आप पेंडेंट, इयररिंग या पेबल ही रख लो, जो भी आपको ठीक लगे। और बड़ा ही सुंदर प्यारा सा लगता है, पारदर्शी होता है, तो पारदर्शिता आपके जीवन में भी लेकर आता है। कोई भी हिडन चीज़ है आपके जीवन में, कोई भी फैक्टर है, तो उसको लेकर क्लैरिटी दे देगा क्लियर क्वार्ट्ज। कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा सोचते हैं, बोलते हैं, तो उनकी भी क्लैरिटी सामने आ जाती है। तो इस तरीके से क्लियर क्वार्ट्ज काम करता है मैजिकली, तो आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। गाइज है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे महादेव की तरफ से। तो इस कार्ड को मैं ज़रा ऐसे रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। ऑल राइट, चलिए चेक करते हैं। ओके, हॉस्टैलिटीज, थर्ड चक्र, डिसीट, ऑलराइट, पेशेंस, Nothing will come of this situation. Choose to heal. Surrender, resentments, okay. Okay, embrace light and sound, open to divine guidance. Just a minute, guys. Okay. Pair of. The law of karma, reaping what you sow. Okay.
काफ़ी क्लियर कट मैसेजेस हैं, आई डोंट नो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कितने लोगों को अच्छा लगेगा, बट एनीवेज जो भी है बताना, मेरा काम है। रुद्राक्ष है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर वन को चूज़ किया है, महादेव की तरफ से उनके लिए मैसेज ये है कि जो गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है ना, जो बदले की भावना भरी हुई है, या जो दर्द आपके अंदर भरा हुआ है ना, समय है अब उसको निकालो आपके अंदर से। और ये गुस्सा, ये दर्द कई सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला जो कारण यहाँ पर निकल कर आया है वो आया है धोखा। तो किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, किसी ने आपको अब्यूज़ किया, या किसी ने आपको टॉर्चर किया मेंटली फिजिकली जो भी है। तो इन सारी चीज़ों से दर्द होता है, गुस्सा होता है, बदले की भावना होती है कि भाई हमारे साथ हुआ, इस व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। आप लोग भगवान से प्रे करते हो कि भाई उसको सज़ा मिले। हो सकता है अगर अभी आप व्रत वगैरह कुछ रह रहे हो तो वही चीज़ आप भगवान से मांग रहे हो, बाबा से मांग रहे हो कि भाई इस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया तो आप इसको सबक सिखाइए, जो मैंने व्रत रखे हैं, जो पूजा पाठ करी है, जो साधना करी है, उसके बदले में मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे हेल्थ चाहिए, ना मुझे वेल्थ चाहिए, ना मुझे नेम चाहिए, ना फेम चाहिए, मुझे बदला चाहिए या मुझे जस्टिस चाहिए, जो आप बोलते हो, राइट? तो वही आपकी मांग है और वही कहीं ना कहीं आपका गोल रह गया है कि बस एक बारी ये जो व्यक्ति है ये पीड़ित हो या इसको कोई धोखा दे तो उसी दिन मुझे चैन आएगा। अगर ये नहीं है अच्छा आपके अंदर कि उसके साथ कुछ बुरा हो, तो ये गुस्सा खुद पर हो सकता है कि क्यों मैंने विश्वास कर लिया, क्यों मैं इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ी, या क्यों मैंने ये पार्टनरशिप करी, करियर को लेकर भी हो सकता है, राइट? या क्यों मैंने अपने फ्रेंड्स को सुना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, उसका गुस्सा हो सकता है। कुल मिलाकर आपके अंदर गुस्सा है, बदले की भावना है, डर है, इनसिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें पनप रही हैं और लगातार आप इसके साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, कभी खुद को दोष दे रहे हो, कभी और लोगों को दे रहे हो, समटाइम्स आप भगवान को भी देते हो, उनसे मांग भी रखते हो, उनके सामने रोते भी हो और दोष भी देते हो, और फिर बोलते हो कि आप ही मेरे अपने हो, आपको नहीं बोलूँगी या बोलूँगा तो किसको बोलूँगी या बोलूँगा। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी को कुछ सुनाने का मन कर रहा है तो आपके पास आ जाती हूँ, और आप तो समझते हो ना मुझे, ऐसा ये भी करते हो आप लोग। तो जो भी है, शुरुआत जो है वो दर्द से है, गुस्से से है, और यहाँ पर महादेव का कहना ये है कि अगर ये गुस्सा, अगर ये डर, इनसिक्योरिटी, अगर ये स्ट्रेस, बदले की भावना आप अपने अंदर रखेंगे तो धीरे 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 करके आप खुद को ख़त्म कर लेंगे खुद से ही। ओके, क्योंकि जो हुआ वो तो निकल गया, या अभी भी लोग ऐसे आपके जीवन में आ रहे हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट से सीख नहीं ली। ऐसे यहाँ पर बहुत से लोग हैं ऐसे कहेंगे कि दी हम तो अपना पास्ट भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ऐसा आ जाता है जो फिर से हमें दर्द देता है। तो दर्द इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी तक आप संभल नहीं पाए हो, आपको लेसन्स तो मिल रहे हैं बट आप उनको अच्छे से खुद के जीवन में कैसे उसको अप्लाई करना है वो आप नहीं समझ पा रहे हो। और ऐसे मैंने कई सारे लोग देखे हैं, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, जो जिनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट के चलते स्ट्रेस में आते हैं, देन डिप्रेशन में जाते हैं, देन उनको काउंसलिंग लेनी पड़ती है, थेरेपी लेनी पड़ती है, मेडिसिंस वगैरह लेने पड़ते हैं सो दैट उनके जो हार्मोन्स हैं वो थोड़ा बैलेंस्ड हों, ये सब कुछ करना पड़ता है। और बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमसे ऐसा हुआ, हमसे ऐसा हुआ, हमने उसको हर्ट कर दिया, या हमने उसको चीट कर दिया, या उसने हमको चीट कर दिया, और हम होते रहे, हम आँख बंद करके सब कुछ देखते रहे, हमें पता था कि चीट कर रहा है, हमें पता था कि वो हमें प्यार नहीं करता, फिर भी हम अंधविश्वास में थे, और बहुत रिग्रेट हो रहा है ऐसा। और समझाने के बाद, बताने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थेरेपी वगैरह होती है, फिर वही व्यक्ति कुछ महीनों के बाद में फिर से आता है, हमने फिर वही कर दिया,
ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो मैं बोलती हूँ कई बार उनको कि लास्ट टाइम जब आपने रीडिंग ली थी तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको आपके साथ ये जो चीज़ हुई है उससे आपको ये लेसन मिला है, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। आप कैसे हो गई? तो उनके पास जवाब नहीं होता। तो ऐसे भी लोग हैं, रिग्रेट करते हैं बट फिर से मिस्टेक्स दोहराते हैं। तो अभी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस आपने बना नहीं पाया आपके अंदर जो आपको बनाना था। मे बी जब बात इमोशंस की आती है तो आप इमोशंस में बह जाते हो, प्यार की बात आई तो आप इमोशंस में बह जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। जहाँ पर इमोशंस चाहिए, प्यार चाहिए, वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनोगे, लॉजिक देखोगे तो वो भी हार्मफुल है। तो बैलेंस बनाना चाहिए, और जब आपको पता नहीं होता तो आपके साथ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ होने के बाद फिर समझना चाहिए, राइट? तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब मैं पास्ट का बोल रही थी कि पास्ट में जो कुछ हुआ ना वो निकल गया, अब उसके बारे में मत सोचो। ओके? उसके बारे में सोचते रहोगे, वो थॉट्स बार बार क्रिएट करते रहोगे तो आप बीमार होते चले जाओगे, और आपके पास जो भी है वो भी चला जाएगा, जितना बचा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन में हो। ओके? बदले में, गुस्से में, स्ट्रेस में, ये जितने भी इमोशंस हैं ये काफ़ी निगेटिव इमोशंस हैं। तो अगर आप लगातार इस निगेटिविटी में बने रहोगे तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाहर कैसे निकलना है, आपको फॉरगिव करना है, ठीक है, माफ़ करना है। तो जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले कुछ आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको अपना मोबाइल छोड़ना है, जो कि ज़्यादातर लोग आजकल लेके सो जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो पहले तो उसको दूर ही रखो, और फिर बहुत दूर रखो, मतलब ऐसी जगह रखो कि अगर आप बीच में कभी जागते भी हो पानी वानी पीने के लिए तो मोबाइल उठा के आपको चेक नहीं करना है, इतनी दूर हो कि आप उठकर ना जाएं बेड से, ठीक है? तो उसको तो छोड़ ही दो। अब आधे घंटे 1 घंटे पहले अगर आप फ्री हो जाते हो तो अपनी डायरी निकालनी है, और डायरी में जिन लोगों के प्रति आपके मन में गुस्सा है उनके लिए लिखना है कि मैं उनको माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, ठीक है? ये बार 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 आप लिखेंगे तो धीरे धीरे करके आपके मन में जो भी दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो ग्रजेस हैं वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है? धीरे से काम करेगा, जल्दी नहीं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि मैं क्यों माफ़ करूँ, आप माफ़ करिए आपके लिए, उनके लिए नहीं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप उनको माफ़ नहीं करोगे, बदले की भावना रखोगे और प्रार्थना करोगे कि उनके साथ बुरा हो जाए तो भी कुछ नहीं होना है। उनको उनके कर्मों का फल उनके समय पर ही मिलेगा, आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, आप भगवान नहीं हो, ठीक है? महादेव हैंडल करेंगे, आप नहीं करोगे, आप में उतनी पावर नहीं है। ऑलराइट? आप अपना अच्छा बुरा कर सकते हो, ये पावर आपके पास है। आप अपनी डेस्टिनी बनाइए। आपको अगर सक्सेसफुल होना है ना तो आप अपने लिए सक्सेस को अचीव करिए, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करिए, पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करिए, इसमें अपनी एनर्जी लगाओ, यहाँ पर मैजिशियन हो। लेकिन सामने वाले के कर्मों का फल देना वो आपके अंडर नहीं है, राइट? ऐसे मान के चलो। तो अगर आप माफ़ नहीं भी करोगे तो उस व्यक्ति का बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपका ही बिगड़ रहा है, क्योंकि आप गुस्से में हो, तकलीफ़ में हो। जब तक जब आप बदले की भावना रखते हो, जब तक उसको वो मिल नहीं जाता फल, तब तक आप बेचैन रहोगे, है ना? इसलिए तो पहले तो ये चीज़ प्रैक्टिस करो। दूसरी एक चीज़ है जो अपने माइंड में रखो कि जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। अब अगर इस जन्म में आप बहुत अच्छे इंसान रहे हो, किसी को आपने धोखा नहीं दिया, किसी से आपने झूठ नहीं बोला, और फिर भी ये चीज़ आपके साथ घटित हुई है, तो ये पिछले जन्म के आपके कर्म हैं, उसका फल आपको मिला है। तो ये सोचकर आपको फिर बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। ओके? देन अपने आप को बेचारा मत बोलो, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में मत देखो, क्योंकि कभी तो आपसे कोई तो गलती हुई है जिसका फल आपको मिला। सो फल मिला ये अच्छी चीज़ है ना? मान लो आपके साथ अगर कोई बुरा करता है, आप अभी अभी यही बात हो रही है, बदले की भावना, आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप क्या बोलते हो? इसके साथ भी बुरा हो, इसके साथ भी बुरा हो, यही बोलते हो ना? ज़्यादातर ये ख्याल आता है मन में, ये रहता है कि भगवान आप क्यों नहीं देख रहे। तो जो आप बोलते हो ना वो देखते हैं भगवान जी, उसके कर्मों का फल भी मिलता है। अभी अभी नहीं, फिर कभी मिलेगा। कुछ लोगों को तो अभी मिलता है, नहीं तो कभी और मिलता है, दूसरे जन्म में मिलता है। अब अगर उनको दूसरे जन्म में भी ना मिले तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका कुछ हुआ नहीं, है ना? ये विश्वास पर दुनिया चलती है। वैसे ही अगर आपने किसी का बुरा किया होगा तो उन्होंने भी आपको फिर इसी तरीके से कोसा होगा, तो आपने कुछ उनके साथ गलत किया तो गलत कर्मों का फल फिर आपको मिल रहा है।
उस जन्म में अगर नहीं मिल पाया तो इस जन्म में मिल रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है ना, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर इस जन्म में आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो पिछले जन्मों का फल है। और ये सोचकर आपको अपना मन शांत कर लेना चाहिए कि ठीक है, देखो भगवान हमारे साथ बुरा तो करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई दुश्मनी निभानी है ना, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं तो हमारे साथ वो बुरा नहीं करेंगे। यानी कि हमने कुछ तो गलती करी है जिसकी पनिशमेंट हमें मिली, अब वो गलती हमें याद नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। हम तो बहुत सीधे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा हो गया, नहीं, हो सकता है इस जन्म में नहीं किया, पहले कभी किया होगा। तो जो आप बोगे वो आप काटोगे ज़रूर, ये हमेशा याद रखो। एंड दैट्स वाई यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आपके लिए आया है। आपको बोला गया है कि आपके अंदर का जो गुस्सा है ना उसको शांत करो, उसकी ज़रूरत नहीं है, समझो कि कभी कुछ हुआ है जिसका फल मुझे मिला है। और अभी के लिए जिन भी लोगों से आपकी नाराज़गी है उसको भी ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि ये नाराज़गी जो है ना ये भी आपका साइकिल चलाती रहती है। हम सभी क्या चाहते हैं, हमें मोक्ष मिल जाए, राइट? यही चाहते हैं ना कि जन्म मृत्यु से हम मुक्त हों, क्योंकि बहुत भुगत लिया। लेकिन अगर आप अपने अंदर गुस्सा नफ़रत की भावना रखोगे ना तो आप अगले जन्म लेते चले जाओगे, साइकिल एंड नहीं होगा। तो पहले कुछ हुआ जिसको भुगतने के लिए अभी आए हो, अब ये भावनाएं रखोगे तो फिर अगला जन्म लोगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम डिस्कनेक्ट हों इस दुनिया से, है ना? सभी दुखी परेशान हैं, वही आए हैं यहाँ पे रीडिंग देखने। हंसता खेलता इंसान नहीं आता। ओके, तो संदेश आपके लिए ये है कि जो आपके साथ हुआ है, जिन्होंने जो भी किया है, वो कर्मों का फल है। अब इन कर्मों का फल जो मिल रहा है आपको, जो दर्द हो रहा है, उसके लिए एक तो आप भगवान की आराधना करो, आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहनोगे तो इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो जो समस्याएं हैं उनको आप फेस कर पाओगे, कृपा भी रहेगी महादेव की। दूसरा, आप फॉरगिव करो सो दैट और कर्म इकट्ठा नहीं करो। गुस्से में रहोगे, बदले की भावना में रहोगे, और कर्म इकट्ठा करोगे, फिर और जन्म होगा, फिर और वही है ना, हम जो सोच रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे आसपास ही घूमता है ना? तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कुल मिलाकर अगर एक सेंटेंस में मैं बात करूं तो यहाँ पर महादेव का आपके लिए मैसेज है कि आपके अंदर से गुस्सा और ईर्ष्या, बदले की भावना और दर्द, इन सारी चीज़ों को आपने निकालना है। इसको अपना संकल्प बना लो, राइट? सावन का महीना है ये और आप साधना कर ही रहे हो प्रभु की, तो उनको सामने उनके सामने बैठकर एक पेपर निकालना है, उसमें लिखना है कि ये सारी चीज़ें अब से मैं अपने अंदर नहीं रखूँगी या रखूँगा, इनको हटाने का पूरा प्रयास करूँगी या करूँगा, और मैं गिव अप नहीं करूँगी, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना है, इनर वर्क करते हुए सारी चीज़ें निकलें बाहर, वो महादेव आपसे चाहते हैं, सो दैट आप एक बेहतर, एक प्योर लाइफ जी सकें। बहुत कुछ आपकी लाइफ में है जिसको आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि मन में इस तरीके की भावनाएं हैं, दर्द है। इसमें क्या होता है कि कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में आती हैं और आप उनको समझ ही नहीं पाते कि वो आपके लिए हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कई बार जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपको महादेव साइंस देते हैं, आपको समझाने की बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्सा इतना है, दर्द इतना है कि आप उनके इंडिकेशंस को समझ नहीं पाते, साइंस को समझ नहीं पाते। कम से कम इस रीडिंग के ज़रिए अब आप अपने अंदर ये सुधार कर लो। ओके, क्यों? क्योंकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जियो, क्योंकि आपको दर्द में तकलीफ़ में देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपने नहीं सोचना है, क्योंकि आप जब सोचते हो तो आप परेशान रहते हो, या तो आप हंसते खेलते रहो तो बात अलग है, बट आप परेशान हो तो ये नहीं करना है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं भी, कमेंट करें। तो कल मिलते हैं, कल नहीं, शाम को मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है आर्कएंजल माइकल को, तो चलिए देख लेते हैं महादेव के क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। इस कार्ड को मैं यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। चलिए,
ऑल टाइड अप। ओके नंबर 13 का कार्ड आ गया। देन वी हैव 11 कॉर्नकॉपिया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी नाइस। ओके यहाँ से देखते हैं क्या है। ओके सरेंडर स्टबर्ननेस। ओके चूज टू हील। फिर से भाई एनर्जी आई है, आप चाहें तो पाइल वन भी देख सकते हैं। ओके योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। पावरफुल चेंज। ओके जी ओम डिवाइन विजडम लिसन टू योर इनर वॉइस। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। ओके डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। ओके कुछ तो है जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो, कुछ तो है। सी जैसे आपके जो कार्ड्स आए हैं उसके ज़रिए क्लियरली ये पता लग रहा है कि कुछ एक बड़ा पावरफुल चेंज होने वाला है इन योर लाइफ। और जैसे कि यहाँ पर कॉर्नकॉपिया का कार्ड आया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया, तो ये भी पता चल रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है। ठीक है, कॉर्नकॉपिया का अगर आप कार्ड देखोगे बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा कार्ड है। वहाँ पर पर्ल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, लाइट है, गोल्डन लाइट है, गोल्ड है, काफ़ी कुछ है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो नाम से ही समझ आता है कि क्या एनर्जी है उस कार्ड की। एंड यहाँ पर जो हम देख रहे थे ये वाला बॉटम ऑफ द डेक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये भी वही चीज़ बताता है, राइट। और यहाँ पर भी मेजर चेंज है, तो कुछ होना है, कुछ बड़ा होना है, कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल होना है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी किसी जिद की वजह से। और ये जिद कोई भी हो सकती है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में कोई जॉब चाहिए और वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल रही, या कोई कोई फील्ड आपने चुना, आपको उसी में आगे बढ़ना है और वहाँ पर आगे आप बढ़ नहीं पा रहे। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, नहीं हो पा रहे, या किसी कंपनी में जाना चाहते हो, वहाँ नहीं जॉब लग पा रही है, या फिर मान लीजिए कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे हो और जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं दिख रहा, प्रॉफिट नहीं दिख रहा, बट आप छोड़ नहीं रहे। आप छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके लिए तैयारी मत करो या अपना सपना तोड़ दो। छोड़ने से मेरा मतलब है कि कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हो। ऐसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है, मुझे
उसी कंपनी में जॉब चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो हम घर पे बैठेंगे, ये गलत है। ओके क्योंकि अभी घर बैठने की एज नहीं है। अगर आप 18 के भी हो तब भी अभी आजकल के टाइम में ऐसा है कि सभी काम करने लग जाते हैं, अपना पॉकेट मनी तो कम से कम निकालने लग जाते हैं। तो 18 की एज के होने के बाद भी अगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पसंदीदा जॉब आपको नहीं मिल रही है, आप बिज़नेस आप नहीं कर पा रहे हो, आप घर पे बैठ जाओगे, गलत है। या वो बिज़नेस आप कर रहे हो जिसमें बार बार लॉस हो रहा है और आप उसको नहीं छोड़ रहे, ये गलत है। या कोई रिलेशनशिप हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद है लेकिन उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर भी आपने उसको पकड़ के रखा है, ये गलत है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ देना है हमेशा के लिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ज़िद मत करो, कुछ और भी ऑप्शंस दिखते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। क्या हो रहा है ना, कुछ बहुत ही खूबसूरत आपके कर्मों से आपको मिलने वाला है, आपकी जो आपने सेवा करी है उससे आपको मिलने वाला है, या जो मैनिफेस्ट आपने किया है उसकी वजह से आपको मिलने वाला है। बट आप इतने ज़िद्दी हो कि आपने उसको रोक के रखा है और आप खुद को ये बोलते हो कि मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आप मजबूर नहीं हो, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, किसी ने आपको पकड़ के नहीं रखा। आपको पता है हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमें सिर्फ हमारी सोच पकड़ती है। ये जो ये आप देख रहे हो ना, ये लड़की रस्सियों से बंधी हुई है, ये इसके थॉट्स हैं, ये लोग नहीं हैं। देखने में लगेगा किसी लड़की ने इसको ऐसे बांध दिया, किसी ने नहीं बांधा, इसने खुद ही खुद को बांधा है। तो जो सोच हम बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं, हमें इसी कंपनी में जॉब चाहिए क्योंकि हम यहीं कर पाएंगे, ये हो गई सोच का, ये हो गया सोच का आपको बांधना। ठीक है, आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी काम कर सकते हो, नेम एंड फेम वहाँ पर भी आपको मिल सकता है, बट आपने सोच के रखा है इसी कंपनी में होगा जो होगा, दूसरी कंपनी में नहीं होगा। इसी बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, आप दूसरा नहीं कर सकते, ये सोच का बंधना। इसी व्यक्ति के साथ आप कंफर्टेबल रहोगे, खुश रहोगे, सोच का बंधना इसे कहते हैं। कोई आपको नहीं बोल रहा कैसा है, आप खुद खुद को बोलते हो। अगर चार लोग आपको बोल भी रहे हैं ना, फिर भी उनकी बातों का असर नहीं होगा जब तक आप उन बातों को अपने दिमाग पर नहीं लोगे, ऐसा है। अगर कोई आपको बोल रहा है कड़वा जो करेला है वो बहुत अच्छा है खाने में और बहुत मीठा है, मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आपकी टंग कह रही है कड़वा, आपका दिमाग बोल रहा है कड़वा है, राइट? ऐसा हो जाता है, ये चीज़ है। तो लोग क्या कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या सोच रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो बंधन जो है वो हमसे होता है, वो चार और लोगों से नहीं होता, बताने की कोशिश ये कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी मुझे बोलेंगे कि दी और लोगों ने तो हमें बोला ये करने के लिए, उन्होंने तो कहा कि ये चीज़ करनी चाहिए तो हम वो चीज़ कर रहे हैं, मजबूर हैं। नहीं, मजबूर नहीं हो आप लोग, आप अपने दिमाग से मजबूर हो। ओके तो कुछ है जिसको आपने होल्ड करके रखा है, आप क्योंकि उसको होल्ड करके रखा है आप छोड़ नहीं रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे। कुछ ब्लेसिंग्स हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पा रही। अब अगर दूसरों के कहने की वजह से आप बंधन में हो तो दूसरों की सुनना बंद करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। इसलिए यहाँ पर आया है ना वॉइस, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। और अगर आप अपने किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से बंधे हुए हो तो अगेन आपको अपनी ही सुननी है। अगर आप इंट्यूशन की सुनोगे, इंट्यूशन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करती है, आपकी अंतरात्मा आपको वही करने के लिए कहेगी जो सही है, बस आपको सुनना आना चाहिए। सुन कैसे पाओगे? जब आप थोड़ा ओपन माइंडेड रहोगे, ओके, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा इधर उधर नज़र भी डालोगे कि आसपास और भी चीज़ें हैं, राइट? इस डर से बाहर निकलोगे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अगर आप महादेव पर विश्वास करते हो तो पूरा करो, आधा मत करो। ऐसा मत करो कि महादेव की पूजा, भगवान जी की पूजा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, वो मुझे दे देंगे जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे वही दें जो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। पावर उनका चाहिए, इच्छा अपनी चाहिए, ये मत करो। अगर वो पावरफुल हैं तो इसका मतलब है उनको ये भी पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, राइट? तो अगर आपके सामने कुछ पॉसिबिलिटीज़ वो ला रहे हैं, जो कि वो ला रहे हैं आप देख नहीं रहे आपकी ज़िद की वजह से, तो उन पॉसिबिलिटीज़ पर काम करो।
अगर नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं उनसे बात करो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो बहुत टॉक्सिक है और आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे यही चाहिए, और भी ऑप्शंस हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। वैसे ही कंपनी का आप सोच रहे, अच्छी बात है उस कंपनी का सोचो, लेकिन इससे पहले कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उन पर भी ट्राई करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो उसका रास्ता यहाँ से खुलता हो। ओके, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो कुल मिलाकर यहाँ पर महादेव का कहना ये है कि बड़ा चेंज आना है आपके जीवन में, और वो चाहते हैं कि इसके लिए आप बदलो खुद को और रोको मत, रोक मत लगाओ। आपको जहाँ पर आगे बढ़ना है, स्टैंड लेना है, वहाँ पर आप ज़िद कर रहे हो। चीज़ें जहाँ खूबसूरत हो सकती हैं आपके जीवन में, आप उनको बर्बाद कर रहे हो सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से। ज़िद मत करो। आप कुछ चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन ज़िद मत करो। ऐसा नहीं कि मुझे वही कंपनी चाहिए तो आप कुछ और नहीं, या मुझे वही लाइफ पार्टनर चाहिए तो मैं किसी और से बात ही नहीं करूँगी। बात करके तो देखो, आपको रोमांटिक बातें नहीं करनी है, लेकिन फ्रेंडशिप तो कर सकते हो ना। ओके, अगर सामने वाला फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है देन जाने दो, लेकिन किसी से बात ही नहीं करनी है ये गलत है। ओके, यहाँ पर आपको डिसलॉयल होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इतनी लिमिट्स मत बनाओ कि आप कैद हो जाओ। हम बाउंड्रीज बनाते हैं खुद को सिक्योर करने के लिए, अगर ये बाउंड्रीज हमारी कैद बन जाएं तो फिर दिक्कत है। तो आपको कैद में रहना है क्या? आपको जेल में रहना है क्या? आपको घर बनाना है जिसमें आप सुरक्षित रहें। तो घर और जेल में फ़र्क होता है, आप जेल बना रहे हो अपने लिए, ठीक है। सो ये महादेव का कहना है आपके लिए। आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जब तक वो नहीं मिलेंगी वेट करूँगी। हाँ मिलेंगी, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। डिवाइन टाइमिंग जो है, जो आप चाहते हो उसको मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसकी वजह से ये नहीं है कि हम बैठे रहेंगे। खाना अगर लेट बन रहा है तो हम कुछ और नहीं खाएंगे। अगर आपको कोई बोले कि भाई आज खाना नहीं बनेगा, रात में ही मिलेगा, तो पूरा दिन आप फास्टिंग करोगे? नहीं ना। तो वीकनेस आती चली जाएगी, है ना। तो ऐसा है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। और कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, कौन सा अगला टॉपिक आप चाहते हो तो मैं ज़रूर से लेके आऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। लेट्स सी। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, डो टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस, एप्रिसिएशन। ओके, ऑल राइट, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। मैजिक, ओके। कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके,
ओके क्लियर आउट द डेब्रिस, बी प्रोएक्टिव। यहाँ से देखते हैं क्या है। ओके लिसन टू योर इनर वॉइस। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स फ्रॉम शिवा। ओके आप पे 7:30 ही चल रही है क्या? महाशिवरात्रि। लव एंड हार्मनी अवेट। कितने सुंदर कार्ड है। क्या मैसेजेस हैं महादेव की तरफ से आपके लिए? मैसेजेस ये हैं गाइस कि कुछ तो एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, या एंड हो चुका है। उस मोमेंट को आप थोड़ा सा ना ऐसे खुश होके सेलिब्रेट करो, या कुछ एंड हो रहा है तो उसको भी सेलिब्रेट करो, परेशान मत हो। हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कोई एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर नहीं कर पाए, ओके या जो प्रोजेक्ट था उनके हाथ से निकल गया, या कोई कनेक्शन आपका एंड हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि होने वाला है, ये मैसेजेस उनके लिए हैं जिनके साथ ये हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट की एनर्जी आ रही है निकल के। ओके तो जिनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है ना, वो परेशान मत होने लग जाना कि अरे दी मेरे हमारे साथ ये होगा क्या। होगा कुछ नहीं, जिनके साथ हो चुका है उनके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। ये मैं वो नहीं देख रही कि आगे क्या होना है नेक्स्ट 72 आवर्स में, मैं सिर्फ मैसेजेस चेक कर रही हूँ। तो जिसके लिए भी मैसेजेस आएंगे, तो जिनकी लाइफ में अभी कोई लॉस हुआ है, उन्होंने कुछ खोया है, किसी फैमिली मेम्बर को खोया है, या कोई जॉब खो दी है, या रेपुटेशन खो दी है, या किसी ने कुछ ब्लेम किया है, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, ये सब कुछ हुआ है, किसी भी तरीके का लॉस हुआ है, तो वहाँ पर महादेव का ये कहना है कि ये जो पीरियड है इसको आप थोड़ा सा समझने की, जानने की और सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। इसको लेकर रोएं, परेशान ना हों, क्योंकि हर एक जो समय आपके जीवन में आता है ना, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। हम उसको बुरे तौर पे ले, जो टफ टाइम होता है हम बोलते हैं अशुभ दिन है। जैसे वही मैं बोल रही थी ना 7:30 का, अभी पूछा था 7:30 चल रही है क्या। तो 7:30 को लेकर लोग बहुत डरते हैं, क्यों? क्योंकि 7:30 ना बहुत मेहनत करवा देता है। आप जो भी काम करते हो उसमें कमियाँ बहुत सामने निकल कर आती हैं। एक्चुअली ये बुरा नहीं है, 7:30 का समय आप को बेहतर बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, और ये प्रक्रिया हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 4 बजे उठो, 9 बजे सो जाओ, लंच के समय पर लंच करो, देर मत करो, इतने घंटे काम करो उसके बाद मत करो, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करो या भक्ति करो, ये सारी चीज़ें मैं वैसे बोलूँगी और आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आप कुछ भी नहीं करोगे। मैं कई बार देखती हूँ लोगों को 12-1 बजे सोते हैं सुबह, फिर वह या तो जल्दी जागते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, या फिर तो देर से जागते हैं तो उनको फिर हेल्थ इश्यूज लगते हैं, और उनको बोलो कि अपना एक अच्छा रूटीन बनाओ, नहीं बनाएंगे, ऐसा होता है। 7:30 या महादशा जब आती है ना सैटर्न की, तो फिर वो आपको ज़बरदस्ती डिसिप्लिन बनाते हैं, क्योंकि शनि जो हैं वो गुरु हैं, स्ट्रिक्ट गुरु हैं। जुपिटर जो है ना वो ऐसे गुरु हैं जो प्यार से आपको समझाएंगे। दो गुरु हैं, जुपिटर एक सैटर्न। सैटर्न क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं मानोगे ये लो पड़ा डंडा, ऐसा है। तो जब ये साइकिल चल रहा होता है ना, उस वक्त आपको इसको कोसना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है, या भगवान को भी ब्लेम नहीं करना है, आपको ये पीरियड सेलिब्रेट करना है। ओके मैं ये चीज़ नहीं कर रही थी, मेरे में ये गलत था, अब मेरे सामने आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप चीज़ों को, राइट। अभी क्या हो जाता है 7:30 में, लोग बोलते हैं बीमार पड़ गए। बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वैसे भी हम बहुत सी चीज़ें सिखा रहे होते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। टाइम से उठ नहीं रहे होते हैं, टाइम से सो नहीं रहे होते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं जो अनहेल्दी है। बाकी दिन चल जाता है, 7:30 में शनिदेव जो है वो जल्दी असर दिखा देते हैं। एल ए बाहर का खाना खाया, एल ए
जा भी डॉक्टर के पास, राइट, ऐसा हो जाता है। तो वो ज़बरदस्ती हमें सिखाते हैं, हमें लगता है 7:30 ही तो पेट खराब हो गया हमारा, नहीं तो वो नहीं था, इसमें बस थोड़ा जल्दी वो दिखा देते हैं। गट हेल्थ इश्यूज़ आते हैं 7:30 में, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, दांतों का रोग लगता है, बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, ये सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं तो कुछ कमी कर रहे हैं, या तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या बिल्कुल खाना नहीं खा रहे, टाइम से सो नहीं रहे, बालों की केयर नहीं कर रहे, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं दूसरों की वजह से, अपने पर ध्यान नहीं दे रहे, मंदिर जाना छोड़ दिया, आलसी बन के पड़े हैं बेड पर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो फिर परेशान करते हैं, वो फिर आपको सबक सिखाते हैं, नहीं करना, ये गलत है तुम्हारे लिए, उठो, ऐसा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बोलते हैं भाई तला बना नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, तो डिसिप्लिन लाइफ आपकी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है, अगर आप इसको ऐसे सोचो कि आप इम्प्रूव करोगे, आप इवॉल्व करोगे। सोना कब चमकता है? जब जब क्या करते हैं बताओ कमेंट में, ठीक है? तो वही चीज़ है आपके साथ, तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। डायमंड भी कब चमकता है? जब क्या करते हैं, कटिंग, है ना, बस यही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो वही महादेव कह रहे हैं कि अगर अभी समय अच्छा आपको लग रहा है, नहीं चल रहा है, या आपका लॉस हो रहा है, उसको ऐसे मत लो कि बुरा हो रहा है, जानने की कोशिश करो कहाँ गलती हुई है। और जब ये जानने की कोशिश करोगे ना, सारी चीज़ों को लिंक करोगे ना, तब समझ आएगा कि अरे ये तो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए था, ये तो मेरे आगे सक्सेसफुल होने के रास्ते खुल रहे हैं, ये तो मुझे परफेक्ट बनाया जा रहा है। परफेक्शन की जर्नी है, डिस्ट्रक्शन की जर्नी नहीं है। परफेक्शन की जर्नी को डिस्ट्रक्शन की आप बोल देते हो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा वो करते हुए जो आपसे करवाया जा रहा है। ओके, ये आपके लिए मैसेजेस हैं कि इस समय को सेलिब्रेट करो, ताने मत दो। बहुत से लोग यहाँ पर भी कमेंट करते हैं, अभी भी करेंगे, मैं इतना समझा रही हूँ ना, अभी भी बोलेंगे सब चला गया मेरे जीवन से, मैं दुखी हूँ, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं शेयर करना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया, सब नौटंकी है, जोक है, सब झूठ बोलते हैं, छलावा है, ये सब अभी भी बोलेंगे इतना समझाने के बाद भी। लेकिन हाँ, अगर आप समझदार हो तो इसको जैसे यहाँ पर आ रहा है, जो गाइडेंस आ रहा है, उसको अपनाओ, फॉलो करो। दिमाग में जितना भी जितनी खिचड़ी पक रही है उसको अभी पकाना बंद करो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बने। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आप क्या करोगे पता है? जब लोगों को जॉब नहीं मिलती ना, फिर लोग बोलते हैं हम क्या करें, रेमेडीज़ बता दो। फिर कई बार उनको बताया जाता है आप दान करो। अब ये दान आप वैसे भी कर सकते थे लेकिन आप नहीं करोगे। जब आपके सामने विपत्ति आती है ना, फिर आप बोलते हो किसको खाना खिलाऊं बताओ, मैं सबको खाना खिला दूंगी, बस मेरी जॉब लग जाए। करते हो? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। करते हो आप लोग? ये मैंने कई बार देखा है, नहीं मानते आप लोग। जब तक आपको ये चीज़ आप फेस नहीं करते ना, तब तक आप नहीं मानते। आप अगर मैं आपको बोलूँ ना हनुमान चालीसा पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे। और अगर आपके सामने विपत्ति आ गई, फिर आप बोलोगे 7 times मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, अगर ये काम करता है मेरे को बता दो, मैं 7 times पढ़ूंगी, और मैं दिन में अगर 3 बार जाना पड़े मंदिर तो मैं जाऊंगी, ज़रूर करूंगी। ये अच्छे काम आप वैसे भी कर सकते हो ना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको मैं बोल रही हूँ भाई 4 बजे उठना शुरू करो, ये डाइट लेना शुरू करो, ठीक है मैं सब कुछ ले लूँगी, बस मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे ना। नहीं करते हो आप लोग, नहीं मानते हो। तो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए फिर यूनिवर्स, भगवान जी ये सब करते हैं, भाई ये नहीं सुधर रहा, इसको सुधारना पड़ेगा इस तरीके से। तो वही चीज़ हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये अच्छा है, इसको बुरा मत मानो। अगर जॉब नहीं लग रही है तो वो सारी चीज़ें करना शुरू करो जो अच्छी हैं, जैसे हनुमान जी की आराधना करो। यहाँ पर आ रहा है लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, जिस तरीके से हनुमान जी सेवा करते थे राम जी की, वही सेवा आप हनुमान जी की करो। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, हेल्पिंग हैंड, उन सभी लोगों की हेल्प करो जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है। ये समय है, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। ऐसे मंदिर में जाते हो, मंदिर में दूध चढ़ाते हो, खीर चढ़ाते हो, महंगी महंगी चीज़ें, फल लेकर जाते हो, ऐसे वहाँ पर जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनका भी भला करो, है ना। ऑर्फेनेज से कनेक्ट हो, ओल्ड एज होम से कनेक्ट हो, उन लोगों की हेल्प करो। बच्चों की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी हेल्प करो। अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो विश्वास रखो, जो समय अभी आपको बुरा लग रहा है, एक्चुअली वो बुरा नहीं है, आपको बेहतर बनाया जा रहा है, आगे समय बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, पैसा ही पैसा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं,
लेकिन अगर इन सारी एक्टिविटीज़ में आप बिलीव नहीं करते हो तो बिलीव करो, क्योंकि अगर 7:30 या महादशा चल रही है शनि की, तब तो आपको ज़रूर ये चीज़ें करनी है, आपको छोड़ना ही नहीं किसी भी कीमत पर। जितने लोग ऐसे मिलते हैं आपको, हेल्पलेस हैं, मजदूर हैं, उन सभी की हेल्प करनी है, सैटर्न को वही चाहिए। नहीं करोगे तो मुश्किलें आएंगी, करोगे तो बड़ी आसानी से आपका ये समय निकल जाएगा। ठीक है, यस। सो ये गाइज आपके लिए मैसेज था महादेव की तरफ से कि भाई धर्म कर्म के काम में लग जाओ तो थोड़ा आपको चीज़ें आसान लगेंगी। मैरिड लाइफ में भी इश्यूज हैं तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। शिवरात्रि तक आपके काफ़ी सारे काम बनेंगे, तो हाँ आपको थोड़ा लंबा समय लग रहा होगा लेकिन लंबा है नहीं, महीने बहुत जल्दी निकलते हैं। ओके, तो कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाएगी। शिवरात्रि का जो त्यौहार रहेगा आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो अपनी जर्नी पर निकल जाओ फटाफट से। जो जो गलतियाँ करी हैं सुधार कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं करी हैं गलतियाँ, ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपकी पर्जिंग हो रही है, आप इस पर्जिंग को इन्जॉय करो। अगर डिफ़िकल्टीज आती हैं तो सुधारने की कोशिश करो। अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो सुबह उठ जाओ जल्दी, ये शुरू कर दो, योगा करना शुरू कर दो, है ना, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो। रिलेशनशिप्स वगैरह में इश्यूज़ आ रहे हैं तो खुद पर ध्यान दो, खुद से प्यार करना शुरू कर दो। समझ जाओ कि दूसरे कभी आपके पूरी तरीके से अपने नहीं बन सकते, इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई आपका सगा नहीं है। ओके, ये समझ जाओ, तो खुद पर फोकस करो, खुद से प्यार करना सीखो, भगवान जी से प्यार करना सीखो। ओके, वहीं अगर जॉब एंड फाइनेंसेस को लेकर आप परेशान हो, समझ जाओ कि ये जो चीज़ें हैं ये टेम्प्रेरी हैं, आज पैसा है कल नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं रखना है पैसे से। कल को जब आपकी जॉब लगेगी, पैसा आएगा, तो अटैचमेंट नहीं रखेंगे। ओके, ये सारे लेसन आपको मिल रहे हैं, समझो इसको। जितना ज़्यादा अटैच रहोगे इन चीज़ों से उतना ही ज़्यादा डिले होगा और दुखी रहोगे आप। ठीक है, यस। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।